नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 95,000 करोड़ का है। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा, इसमें से ज्यादातर काम ठेकेदारों को दिया जा चुका है। ऐसा वे गुरुग्राम के लोहातकी गांव से चल रहे परियोजना कार्य की स्थिति की समीक्षा के बाद कहते हैं। नितिन गडकरी कहते हैं कि 160 किलोमीटर का काम जो हरियाणा में आता है तो मार्च 2022 तक खत्म होने की उम्मीद करते हैं। गुरुग्राम में हुए सम्मेलन के दौरान वे कहते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि लगभग 1380 किलोमीटर में फैला होगा। यह एक्सप्रेसवे 2023 मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहीं कुछ सड़क कार्य जैसे दिल्ली से दौसा राजस्थान में और वडोदरा से अंकलेश्वर मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम लोकसभा सदस्य राव इंद्रजीत सिंह, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन के एक्सिस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे भविष्य में 4 और लेन जोड़कर 12 लेन किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर 21 मीटर चौड़ा मीडियन बनाया जा रहा है, जो कि सड़क चौड़ी करते वक्त काम आएगा। गडकरी कहते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के साथ रिजॉर्ट, अस्पताल, फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप के साथ साथ वेयर हाउस और लॉजिस्टिकल पोर्ट जैसे वाणिज्यिक स्थान हर 25 किलोमीटर पर होंगे और एयर एम्बुलेंस के लिए एक हेलीपोर्ट की भी सुविधा होगी। हरियाणा में एक्सप्रेसवे गुरुग्राम, पलवल और नू से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे में लगभग गुरुग्राम के 11 गांव, 7 गांव पलवल के और 47 मेवट से होकर गुजरेंगे। राज्य में इस हिस्से में लगभग 10,400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि गुरुग्राम, नू और पलवल से एक्सप्रेसवे गुजरने से जिले में बहुत लाभ होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य कई एक्सप्रेसवे हरियाणा और NCR में निवेशकों के मनोबल को बढ़ाएंगे और ज्यादा उद्योग लाएंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम अलवर एक्सप्रेसवे के पास शुरू होगा और नू जिले के कोलगांव तक होगा, जहां से यह राजस्थान में प्रवेश करेगा। गडकरी कहते हैं कि राजमार्ग पहली ऐसी संरचना होगी जिसे जानवरों के लिए अंडरपास होगा। मार्ग के साथ वन्य जीव के लिए इससे उनके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए जान संरचनाओं की योजना बनाई गई है। एक्सप्रेसवे के अलावा भी गडकरी कहते हैं दिल्ली NCR में 14 सड़क प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 53,000 करोड़ है। इन सड़क निर्माण कार्यों के दौरान बेहद वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम होगा। गडकरी कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा रखी गई मांगों के बाद गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर यातायात को आसान बनाने के लिए बिलासपुर, मानेसर और कापरीवास में लगभग 250 करोड़ की लागत से दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वह यह भी कहते हैं पलवल अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के बीच एक इंटरचेंज को भी मंजूरी दे दी गई है और फरीदाबाद और जेवर हवाई अड्डे के बीच संपर्क को सुधारने के लिए एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।